नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। प्राचीन मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार चंद्रमा का गोचर जब घनिष्ठता शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती में होता है तो पंचक लगता है, वहीं जो चंद्रमा का गोचर कुंभ और मीन राशि में होता है तो भी पंचक की स्थिति बनती है। पंचक को भदवा के नाम से जाना जाता है। मार्च के महीने में पंचक कब लगने जा रहे हैं, आइए हम आपको आज बताते हैं। पंचांग के अनुसार 1 मार्च 2022 मंगलवार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दोपहर 4:32 से आरंभ हो गए दिन। इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र और चंद्रमा का गोचर मकर राशि में रहेगा। पंचक का समापन पंचांग के अनुसार 6 मार्च 2022 रविवार को प्रातः 2:29 पर समाप्त होगा। इस दिन चतुर्थी की तिथि रहेगी और नक्षत्र अश्विनी रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेगा। मान्यता है कि अग्नि पंचक में मंगल से जुड़ी चीज़ों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए तथा अग्नि से बचना चाहिए, क्रोध से दूर रहना चाहिए और वाणी को मधुर बनाना चाहिए। पंचक जिस दिन से आरंभ होता है उस दिन के अनुसार ही इसका नाम तय होता है। पंचक जब रविवार से आरंभ होता है तो इसे रोग पंचक कहते हैं। सोमवार से प्रारंभ होने पर राज पंचक, मंगलवार के दिन से जब पंचक आरंभ होते हैं तो इसे अग्नि पंचक, शुक्रवार से प्रारंभ होने वाला पंचक चोर पंचक और शनिवार से प्रारंभ होने वाला पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है। पंचक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब बुधवार और गुरुवार में पंचक प्रारंभ होता है तो पंचक के 5 कार्यों के अतिरिक्त शुभ कार्य किए जा सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।